हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सबको। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी एक नई रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो है बथुए के साग की रेसिपी। और बथुआ का साग को पहले हमको बथुआ अच्छे साफ़ कर लेना है, फिर हम इसको उबाल लेंगे। 3 से 4 मिनट तक के लिए उबाल लेना है। फिर ये अच्छे से उबल जाएगा तो हम इसको निकाल लेंगे मिक्सर ग्राइंडर में और इसको ग्राइंड कर लेंगे। इसके बाद इसको मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करके मैंने रख लिया है। अभी मैं सोया बड़ी भी डालूंगी इसमें, तो सोया बड़ी को भिगा दिया था। इसके बाद उसको हम फ्राई कर लेंगे। तो पहले मैंने अंडे को उबाल के छील के उसको फ्राई कर लिया, फिर सोया बड़ी भी फ्राई कर लिया। इसके बाद अब उसको मैंने एक बर्तन में रख लिया। फिर यह है अदरक लहसुन और टमाटर, इसको भी हम ग्राइंड कर लेंगे और ग्राइंड करके इसको भी रख लेंगे। मैंने इसको भी करके रख लिया है। और अभी मैं कढ़ाई रख दी हूँ, उसमें तेल गरम है। उसी में मैं तेज पत्ता और दालचीनी और लौंग से बघार लगा के और टमाटर जो पीस के रखा है उसको डाल के उसमें अच्छे से भून लेना है। फिर मसाला डाल दूंगी। मसाला मैं ज़्यादा नहीं डाल रही, गरम मसाला और मिर्ची, लाल मिर्च पाउडर और नमक डाल देंगे हम। उसके बाद इसको अच्छे से भून लेना है और फिर 3 से 4 मिनट भूनना है। इसके बाद इसमें हम पानी डाल देंगे। तो ये मैंने कर लिया, सॉरी पानी नहीं, पहले वो डालेंगे बथुआ जो पीस के रखा हुआ है, इसको डाल लेंगे हम। इसके बाद हम इसको चला लेंगे अच्छे से। और फिर जब ये भी भून जाएगा तो 2-3 मिनट चलाने के बाद में ही हम इसको इसमें हम पानी डाल देंगे, क्योंकि उबला हुआ है ऑलरेडी बथुआ, तो ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए मैंने इसमें पानी डाल दिया। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है इस, क्योंकि हम इसको गाढ़ा ही रखेंगे। तो कुछ इस तरीके का डाल, उबाल आ गया तो इसके बाद हम इसमें डाल देंगे बड़ी, सोया बड़ी और ये अपना अंडा जो हमने फ्राई करके रखा हुआ है। इसके बाद हम इसको ढक के छोड़ देंगे और 3 से 4 मिनट बाद चेक करेंगे। बीच बीच में देखते रहेंगे तो कुछ ये, जब ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए तो ये तैयार हो जाता है। तो बस अभी हमारा पक चुका है, तो मैंने इसे उतार लिया, गैस बंद कर दिया। और ये हमारा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सा एग सोया बड़ी बथुआ वाली रेसिपी तैयार हो गई। बहुत ज़्यादा बहुत टेस्टी लगता है, यमी यमी लगता है। तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।